तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजेता। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आर्ट। हम बनाएंगे एक ड्राइंग, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बनाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले मैं लूंगा एक कटोरी बाउल, उसको मैं रख के एक सर्कल बनाऊंगा। बना ली मैंने सर्कल, मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया है। तो फिर अब मुझे यहाँ पे लाइन बनानी होगी, यहाँ पे सेंटर में। अब मुझे इसका पूरा सेंटर निकालना पड़ेगा, तो मैं अभी वो निकालता हूँ। मैंने इसका सेंटर सेंटर निकाल दिया है और मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है। अब मुझे इसके बिल्कुल बीच का एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो सेंटर का पॉइंट है ये, बस छोटा हल्का सा पॉइंट लगाना है जिससे आपको दिख जाए, इतना तो बनाना है। फिर आपको हल्का सा हाथ ऐसे फ्री हैंड से छोटा सा से सर्कल बनाना है। अगर आपसे फ्री हैंड नहीं बन रहा है तो फिर आप किसी ढक्कन से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बना लिया एक सर्कल। अब जो मैंने यहाँ पे एक सेंटर में पॉइंट बनाया था, मुझे इसी पॉइंट से एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है, कुछ इस तरह से लाइट पेंसिल से। अब वो बन गया। आपको एक और बनाना है थोड़ा बड़ा, और वो कम गैप में होना चाहिए। पहले से एक छोटी सी लाइन बना के रख दो, जैसे मैं यहाँ पे बना के रखता हूँ। अब मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना देना है। मैंने इसको पूरा इक्वल कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, आपको इस हिसाब से इसको ऐसे करना है जिससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसमें ऐसे लग जाए। जैसे मैंने अभी इसमें लगा दिया एक, अभी दूसरी भी ऐसे लगा रहा हूँ। अब ऐसे हमें धीरे धीरे कर करके यहाँ पे ऐसे लाइनें बनानी है। मैंने इस तरह इसको पूरे ऐसे लाइनिंग से बना दिए हैं। अब हमें इसी तरह से इसके इधर से ऐसे करके लाइनिंग बनानी है। हमने इतना पूरा बना दिया। अब हमें इसके बाकी का बैकग्राउंड का बनाना पड़ेगा। अब हम इसके आसपास स्केल ले लीजिए। अब हम इसके आसपास यहाँ पे नदी बनाएंगे और यहाँ पे बाकी का बैकग्राउंड बनाएंगे, आसमान बनाएंगे। स्केल लीजिए, बाकी से ऐसे लंबी छोटी छोटी लंबी ऐसे लाइनें बना लो, जैसे ऐसा लगे जैसे कि लहरें हैं। बना दी है। अब हमें ये ऊपर का बैकग्राउंड हमें बाद में करेंगे। अब हम पहले यहाँ पे आउटलाइनिंग कर देंगे ब्लैक पेन से। तो अब मैंने यहाँ पे इसको आउटलाइनिंग कर दिया। अब मैंने तो यहाँ पे आउटलाइनिंग कर दी है। अब हमें एक मार्कर लेना, मार्कर से हमें यहाँ पे डॉट डॉट सी ऐसे बनानी है। तो मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे ऊपर ऊपर मैंने टाप 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 डॉट्स करे। उसके बाद मैंने नीचे लाइट लाइट डॉट्स करे, मतलब कि जितने पास पास है ना, उतनी जैसी जैसी जितने ही लाइट होंगे हम उतने ही उनको दूर 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 करके करना पड़ेगा, जिससे ये इफेक्ट आता है। अब हमें इसको इरेजर से पूरा ऐसे मिटाना पड़ेगा थोड़ी, मतलब कि एक दो मिनट बाद आपको इरेजर से पूरा ऐसे मिटाना है। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे इरेज कर दिया है इरेजर से। अब आप बाद में इसकी पूरी फिनिशिंग देके देखिए कैसा लग रहा है। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया है तो फिर आप प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, और
करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले। थैंक यू।